बिहार के युवक को दिल दे बैठी जर्मनी की मार्था, मिथिला परंपरा से हुई शादी, 2 महीने में हिंदी सीखने का वादा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पी न्यूज़। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिहार के सहरसा के रहने वाले युवक चैतन्य पर जर्मनी की मार्था अपना दिल हार गई। दोनों की प्रेम कहानी बेहद रोचक और हसीन है। फिल्मी स्टाइल में दोनों का विवाह 30 नवम्बर को पूरे हिंदू रीति रिवाज मिथिला परम्परा के साथ सम्पन्न हुआ। इस शादी को लेकर इलाके में काफी चर्चा हो रही है। शादी में जर्मन गर्ल मार्था की मां और बहन के अलावा एक रिश्तेदार भी मौजूद दिखे। यह शादी जिले के पटुआ स्थित आम गांछी में संपन्न हुई। दूल्हा चैतन्य जिले के पटुआहा गांव के रहने वाले हैं। दुल्हन मार्था जर्मनी की रहने वाली बताई गई है। दोनों के बीच प्यार और दोस्ती की शुरुआत जर्मनी में हुई। दोनों जर्मनी में PhD कर रहे हैं। पढ़ाई के दौरान ही दोनों की दोस्ती हुई। दूल्हे राजा के चाचा ध्रुव झा ने बताया कि चैतन्य झा की पढ़ाई लिखाई सहरसा में ही हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि शिलोंग से BTech करने के बाद बेल्जियम से MS की डिग्री हासिल की है। इसके बाद PhD करने के लिए वह जर्मनी चले गए। वहीं पढ़ाई के दौरान ही जर्मनी की लड़की PhD करने वाली मार्था से दोस्ती हुई। दोस्ती के दौरान ही लड़की के पक्ष से शादी का प्रस्ताव आया। दोनों परिवार वालों की रजामंदी से मिथिला की परंपरा के अनुसार दोनों की शादी हुई। आपको बता दें कि मार्था पोलैंड के वारसा के आर्लोवस्की की पुत्री हैं। चैतन्य के चाचा ध्रुव झा ने बताया कि मार्था हिंदी बोलना नहीं जानती हैं, लेकिन मार्था ने कहा कि 2 से 3 महीने में हिंदी सीख लेंगी। हिंदी में भी बात करने की बात कही। पटुआहा के मुखिया मुकेश झा ने बताया कि यह शादी बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई है। शादी में जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सिंदूर दान और लावा भूजने का विध होता है, वो सब विधि विधान के द्वारा रस्म अदा की गई। इस शादी को लेकर पूरे गाँव में चर्चा हो रही है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पी न्यूज़।